रहे हैं ना लोगों को, आप ब्रीड के हवाले से बता रहे हैं। और ब्रीडिंग के हवाले से जो आपने कलर की बात की, आप यकीन करें कराची, अंदरून सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान चारों सूबों में बड़ा घुमा हूँ, लोगों के मैंने शौक़ देखा, मैंने कबूतरबाजी लोगों की देखी, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कलर से हट के बात की हो। अब देखें एक छापदार कबूतर है, किसी को कलर की वजह से गोल्डन बना दिया, किसी को कलर की वजह से टेडी बना दिया, कलर की वजह से पट्टी वाला बना दिया। क्या वाइट कबूतर, सफ़ेद नोक के सफ़ेद कबूतर हाई फ्लायर में 2001 से पहले हम कराची में नहीं उड़ाते थे? उड़ाते थे हम, वो आसमान बंद होते थे, उसके बाद वो खुल के आते थे और बिल्कुल छोटे छोटे घेड़े लेते हुए आगे बैठते थे। तो कलर जो है वो कबूतरबाजी नहीं है, कबूतरबाजी एक ब्रीड है, कबूतर एक ब्रीड है, एक नस्ल है, एक खून है, उस पर काम होना चाहिए, उसी को समझना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने, वेरी सॉरी टू से, कई लोगों ने इस कलर में उलझा दिया लोगों को कि जी ये सफ़ेद नोक के टेडी कबूतर हैं, इनकी प्राइस इतने हज़ार है, ये काली नोक के गोल्डन कबूतर हैं, इनकी प्राइस इतने हज़ार, तो प्राइस में लोगों को इंक्लूड करके उनका जहन घुमा दिया गया। बिल्कुल सही। वो एक दुकान लग गई, लोगों की खरीदो फरोख शुरू हो गई। अब वो जितना कलर में ज़्यादा खूबसूरत होगा इतना महंगा बिकता है, उसका उड़ान से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप यकीन करें हमने ऐसे बदरंगे कबूतर लोगों के रात तक उड़ते हुए देखे हाई फ्लायर में, कि जिन्हें शायद कोई अगर जाल पे दड़बी में फेंक दो तो कोई उसे कलर की वजह से नहीं उसे खरीदेगा। तो लोगों का माइंडसेट कलर की तरफ ले जाया गया। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, इसी वीडियो में एक जोड़ा हमने दिखाया है, वो जोड़ा भी आप लोग देखिएगा, वो प्योर पट्टी वाले कबूतर हैं वो, और रात 11:45 बजे तक उड़े हुए कबूतर। और इसी जोड़े के अगर किसी भाई को इस पर एतराज़ होगा तो इंशाल्लाह इसी जोड़े के बच्चे हम अपनी छत पे उसे उड़ा के, बेशक वो आगे मुंसिफ भी करें, उसे चेक करें, सुबह स्टैंप लगाए उड़ाए, हम रात तक बिठाएंगे इंशाल्लाह। इन कबूतरों को दुनिया का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये लो फ्लायर है, वो हाई फ्लायर पैटर्न के कबूतर हैं। कलर उनका देख लें आप, उनकी चोंच देख लें, कुछ भी देख लें, वो आपको हाई फ्लायर लगेंगे। अगर कलर की बात होती तो फिर ये कबूतर आप काबली कबूतर में नहीं उड़ा सकते थे, क्योंकि पट्टी वाले कबूतरों को आप कैसे काबली कंसिडर करोगे। तो ये कलर की बेस पे हुआ कि हाई फ्लायर वाइट भी लोगों ने जो है वो बंद कर दिया उड़ाना, बंद कर दिया हाई फ्लायर। कई लोगों को बहुत अच्छे वाइट पड़े, में नहीं उड़ा सकते। पट्टी वाले घेरे कलसरे जिन्हें पता नहीं लोग क्या क्या नाम देते हैं, वो दूसरे जो घेरे वाले कबूतर हैं यार बड़े, जो हमारे पास ऊपर पड़े हैं रामपुरी, वो मेरे पास पट्टी वाले कुछ कबूतर थे जो हमारे दोस्त आए पंजाब से, हमारी उड़ने वाली छत पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी ये रामपुरी भी आप उड़ाते हो? तो मैंने कहा रामपुरी का कौन सा कबूतर होता है? उसने कहा जी ये रामपुरी। हमने कहा रामपुरी नहीं, हमारे पट्टी वाले हमारे कबूतरों का बच्चा है ये, किसी का रामपुरी आ गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं जी ये रामपुरी करके इसको उड़ाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, हमें ये दोनों मरी ना आती है ना, हमें पता है इन चीज़ों का, पट्टी वाला कबूतर है, पट्टी वालों में से हम उड़ाते हैं। नुकसान ये होगा कि जाते वाले कि चले गए अपने साथ, ज़ाया हो गया वो कलर की वजह से। तो आपके ख्याल में अब ये जो हाई फ्लायर्स का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ समझ बूझ की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। देखें दुनिया में किसी भी इलाके में किसी भी जगह कबूतरबाजी की जा रही हो, हर बंदा समझता है कि हाई फ्लायर का उड़ने का मेथड क्या है। लेकिन इंतहाई सादा ज़बान में मैं बता दूँ कि हाई फ्लायर कैसे उड़ता है, उसको किस तरह उड़ना चाहिए। छोटे छोटे चाक लेके वो आसमान जाके बंद होता था, और वही छोटे छोटे चाक लेके वो कबूतर एक एक करके सीढ़ी बा सीढ़ी टूट टूट के आते थे और आके जाल में बैठते थे। अब हमने कलर को मैार बना लिया और कबूतर को हमने डिक्रीज कर दिया, डिग्रेड कर दिया। सही। आज सफ़ेद कबूतर हाई फ्लाई